थे वो सारे लाइट ऑफ हो गए। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सच्ची बात बोलूंगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज संडे शाम है एंड मुझे लगा मैं आप सबको मेरा नाइट टाइम रूटीन शेयर करती हूँ। तो मैं ये व्लॉग में दिखाऊंगी कि नाइट हम लोगों का कैसा रहता है एंड संडे को क्या अभी से हम लोग की, मैंने जैसे प्रीवियस व्लॉग में बोला है, पर मुझे पता है व्लॉग में बहुत सब लोग बहुत कुछ स्किप करते हैं, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। जैसे मैंने बोला था, शेयर किया था कि हम लोगों के जो नाइट डोला है किम, उसको हम लोगों ने सिर्फ 5 वीक के लिए अपॉइंट किया था। वेट, मैं ऐसे क्यों आ रही हूँ? या ठीक है, तो ये फ्राइडे उसका लास्ट डे था एंड ठीक है, सिद्ध भी 1 मंथ का हो गया है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप और कितना रखेंगे, ऐसा देखा जाए तो दे आर वेरी एक्सपेंसिव। बट डेफिनेटली मैं बोलूँगी, अगर आपने अगर सी सेक्शन कराया हो, बिकॉज बोलते हैं ना एट सम पॉइंट सी हेल्थ इज़ ऑल्सो वेल्थ, एंड मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग सेविंग भी करते हैं फॉर ऑल दिस थिंग्स ओनली। तो अगर आपने सी सेक्शन कराया हो, एंड जैसे कि हम लोग का तो कोई भी, वी डिडंट हैव एनी हेल्प, राइट? सो इट वॉज लाइक बहुत ही एक अच्छा डिसीजन था एंड थैंक्स टू माई व्यूअर, यू नो, जिसने मुझे देखा एंड हु गेव मी दिस आइडिया कि डोला रखो, स्पेशली नाइट डोला रखो, क्योंकि बहुत हेल्प हुआ, यू नो, मेरे रिकवरी में भी बहुत हेल्प हुआ। तो अभी जैसा ख़त्म, तो अभी मैं और शौमिक हम दोनों ही है डोला, कल से हम लोग का ड्यूटी स्टार्ट हो गया है। सी पहले ना इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, पर ड्यू टू द मिल्क, मैं बोल रही थी ना, क्योंकि अभी हम लोग इसको ये मिल्क खिलाते हैं या पिलाते हैं, एंड ओवर द टॉप मेरा ब्रेस्ट मिल्क भी इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है, सो इसलिए ना रात में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो जैसे कि विच वन से, या वी कैन पुट हिम, तो अभी जैसे ये सो रहा है थोड़ा, सो नाउ द टाइम इज 6:30 एंड तो अभी सिद्ध को थोड़ा स्ट्रॉलर में घुमा रहे हैं, क्योंकि ऐसा करते हैं ना तो ये सो जाता है, एंड ये मैं राय के टाइम पे भी करती थी। एंड हाँ, मैंने जैसे प्रीवियस व्लॉग में दिखाया था ना कि मैंने सागू खाना स्टार्ट किया, तो मैंने फिर भिगो के रखा था, तो फर्स्ट मैं अपने लिए सागू बनाऊंगी। एंड एक्चुअली ये छोटा वाला सागू है, विच इज़ गुड, क्योंकि बहुत ही जल्दी हो जाता है। आई थिंक सो दिस इज़ फ्रॉम वेट, हाँ ये मुझे बहुत पसंद है, दिस इज़ फ्रॉम बॉब्स रेड मिल्क का है ये, तो यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर से मैंने ख़रीदा था, आई थिंक सो टू मेक ए गुजराती थाली कुछ बनाने के लिए। तो शाम के वक्त मुझे बॉटल वॉश करना है, पर पहले मैं सागू को बॉयल करने को दे दूंगी। एंड जैसे मैं लास्ट व्लॉग में बोल रही थी, क्योंकि सिद्ध को ना काउस मिल्क से एलर्जी है, तो मुझे भी लाइक कोई भी डेयरी प्रोडक्ट खाने को मना किया है, तो इसलिए मैंने आलमंड मिल्क दे दिया है। एंड हाँ, अगर आप बॉटल फीड करेंगे तो एक ही प्रॉब्लम है कि इतने सारे बॉटल्स हो जाते हैं एंड यू हैव टू वॉश इट, क्योंकि आप और कितना सारा बॉटल खरीदेंगे। तो जैसे आप सबको पता है कि मेरा घर में एक नहीं तीन तीन बच्चे हैं, एंड शौमिक अभी बाहर कुछ कर रहे हैं, तो राय भी गई है, एंड रैक्स जैसा कि अभी पागल हो जाएगा, जस्ट लुक रैक्स कैसा करके जंप कर रहा है, बिकॉज ही कान सी, यू नो, कि ये लोग बाहर पे क्या कर रहे हैं। तो सीध अभी थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पे खेलेगा, थोड़ा टाइम मतलब मे बी 5 मिनट्स, कभी कभी अच्छी तरीके से खेलता है, कभी कभी यू नो रोने लगता है। एंड शौमिक का आई थिंक सो या लाइक ही गॉट ए न्यू बाइक, बाइसाइकिल, क्योंकि शौमिक का बाइसाइकिल राय चलाती है, तो शौमिक ने खरीदा, शायद वो फिक्स कर रहे हैं। तो अभी शौमिक एंड राय दोनों मिलके इसको खिलाने का कोशिश कर रहे हैं, एंड इफ़ यू नो एनी हाइपो एलर्जेटिक मिल्क जो लाइक बच्चों को पसंद आए, नॉट अच्छा है, जो बच्चों को पसंद आए, प्लीज़ कमेंट पे बताना। देयर इज़ वन मिल्क नोन एज हिप ना, HIPP, कोई बोल रहा है वो UK का है, somebody says वो जर्मन का है, पर यू नो लिखा था वो, क्योंकि वो जो लिखा हुआ है ना, वी कैन रीड इट, जो भी हो, इफ एनी ऑफ योर किड आर यूजिंग, लाइक बच्चे लोग वो दूध खा रहे तो वो भी बताना। तो सी जब भी वो मिल्क खिलाने को बोलते हैं ना, ही स्लीप्स, वो अभी जगा हुआ है, इज ही हैविंग मामा।
तो सी दिस फाइन एंड मैं अभी आ गई हूँ किचन में क्योंकि मुझे थोड़ा काउंटर टॉप साफ करना है एंड मेरा सागू भी बन चुका है तो हाफ में अभी खाऊंगी, हाफ में कल ब्रेकफास्ट में खाऊंगी। एंड हाँ, ये आपको लगेगा कि हम लोगों का खाना है, नहीं, ये रैक्स का खाना है, ये एक्चुअली शौमिक ने बनाया था। तो सब सब्जी राइस दे के ना हम लोग बॉयल कर लेते हैं एंड राइस को खिला रही है। रैक्स ऐसा खड़ा है क्योंकि रैक्स को पता है रैक्स का खाना बन रहा है। तो शौमिक अभी लाइक फुल प्रोफेशनल की तरह रैक्स का खाना बनाते हैं। तो ये है रैक्स का खाना एंड रैक्स यहाँ पे घूम रहा है। एंड शौमिक डॉक्टर के पास गए थे ना, तो डॉक्टर वाज लाइक कि नहीं, घर में जो खाना बनाते हो उसमें बहुत सारा वाइटामिन्स एंड ऑल यू नो सप्लीमेंट नहीं है। फिर शौमिक ने ये अमेजन पे देखा एंड उनको ये मिल गया, दिस इज़ ऑल इन वन सप्लीमेंट पाउडर। कैरकम चलो रिव्यू फॉलो चलो ना, इसम्स रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो वो लोग ने बोला ऐसा जो खाना बनाओगे ना जो अमाउंट, वो लोग ने बोला वो देन ऐड यू नो अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऐड द जितना टीस्पून चाहिए ऐड कर दीजिए। एंड रैक्स को पता नहीं कैसा पता चल जाता है किसी कैसा कर रहा है कि ये उसका खाना है। एंड 7:30 हो गया तो मैं अभी अपना वो क्या बोलूँ वो सागू खाऊंगी एंड यहाँ पे राय कोशिश कर रही है। राय कोशिश नहीं, वाह राय, हम राय ने बहुत सारा खिला दिया, अभी खिला दिया पिला दिया जो भी हो सभी बर्फ भी कराएगी। तो राय वॉज ए ग्रेट हेल्प एंड मेनी ऑफ यू फ्रॉम द बिगिनिंग यू ऑल टोल्ड मी कि पायल यू नो राय हेल्प करेगी, तुम टेंशन मत लो, विच वॉज सो ट्रू यू नो। सी कितना अच्छी तरीके से बर्ब भी कराती है। एंड अभी मेरा किचन और इतना ज़्यादा साफ भी नहीं रहता है, आज मुझे टाइम मिला तो मुझे लगा कि चलो मैं गैस स्टोव को अच्छी तरीके से साफ़ कर देती हूँ। बट थैंक्स टू माय क्लीनिंग लेडी क्योंकि मैरी बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करती है ना, देन ऑल्सो इतना ज़्यादा गंदा नहीं है, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदा होता। तो बहुतों ने मुझे बोला है ना कि बॉडी आर्मर पीने को, इससे तब मिल्क प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज़ होता है। एंड राय ने इसको सुला भी दिया तो मुझे लगा कि चलो ये तो अभी सो रहा है, तब तक मैं ये थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। एंड मैंने जो ये ग्रेको का लास्ट मिनट में ये ख़रीदा था ना, दिस वॉज़ द बेस्ट थिंग क्योंकि दिस इज़ लाइक आप कितने सारे यूज़ कर सकते हैं। ये एक डाइपर टेबल भी है, फिर इसमें बेसिनेट भी है, फिर बाद में ये प्ले एरिया भी हो जाएगा। तो मुझे लगता है अगर दूसरा भी कुछ एक बेसिनेट खरीदे और एक तो घर में और एक होना ही चाहिए बिकॉज ये सबसे ज़्यादा फंक्शनल है एंड बहुत ही यूज़ होता है। तो अभी थोड़ा टाइम के लिए सोएगा पर डेफिनेटली अगर स्वाडल नहीं कराते ना बिकॉज ही हैज़ द हैबिट तो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं सोता है। एंड आई थिंक सो जग ही गया इतना देर तक ना राय की गोदी में सो रहा था। एंड बच्चों का ये है कि बच्चे लोग ना गोदी में सबसे अच्छा सोते हैं। एंड डिनर पे मैंने बहुत ही एक लाइट चिकन का करी बनाया है, लाइक इसमें बहुत सारा कैरेट मैंने ऐड किया था। तो अभी मैं और राय खा रहे हैं क्योंकि सिद्धू बाबा जग चुके हैं तो वही अभी ना एक साथ में तीनों मिल के डिनर खाना या लंच खाना कभी होता ही नहीं हम लोगों का। तो अभी टाइम हो रहा है ना 8:30 एंड किचन का थोड़ा काम बाकी है, वो शौमिक आके करेंगे। मैंने खाना खा लिया है, सभी का खाना हम लोग का हो गया है तो अभी नीचे चले जाएंगे, लेकिन नीचे मैं अभी जा रही हूँ। तो अभी हम लोग सब लोग मिलके बेडरूम में आ गए हैं एंड मेरे रेक्सू बाबा भी देखिए कुछ एक कर रहे हैं बेड के अंदर में, मे भी कुछ चूई कर रहे होंगे। तो अभी मेरे न्याय देसी डोला आ चुके हैं, एक्चुअली मैं झूठ नहीं बोलूंगी सच्ची बात बोलूंगी। अभी जब इसका देसी डोला का असिस्टेंट भी है जो यहाँ पे फोन देख रही है, शी इज नॉट द असिस्टेंट। पर जब से इसका मिल्क चेंज हो गया हुआ है ना, जैसे मैं पहले ब्लॉग में बोल रही थी कि ही इज हाइपो एलर्जेटिक, अभी इसको मिल्क पिलाते हैं। मैनी ऑफ यू लाइक कोई अगर नए देख रहे होंगे तो आपको पता नहीं होगा, तो इसका ना लाइक यहाँ से लाइक बहुत ही बच्चों को होता है इट सीम्स कि मिल्क जो होता है ना लाइक काउस मिल्क से ना एलर्जी होता है। एंड ये जैसे होल लाइफ नहीं रहता है, किसी किसी का एक साल बाद चला जाता है, किसी का 6 महीने बाद भी चला जाता है,
लाइक 3 इयर्स तक बोलते मोस्टली सभी किड्स का चला जाता है, तो शौमिक ना इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीके से पिलाते हैं। तो अभी फुल फैमिली रैक्स भी है एंड रैक्स परेशान हो जाता है जब ये रोता है। तो अभी मैं इसको रेडी कर दूंगी रात के लिए, लाइक सोने से पहले का प्रिपरेशन। एंड मैं रात को ना इसको डायपर रैश क्रीम थोड़ा ज़्यादा लगाती हूँ, तो अभी मैं 2 तरह का डायपर रैश क्रीम यूज़ करती हूँ, एक है मुस्तेला का एंड दूसरा है ऑनेस्ट का, मुझे दोनों ही काफ़ी पसंद है। तो रात के लिए मैंने सीध को रेडी कर दिया है एंड एक्चुअली यहाँ पे बोलते हैं ना 2 मंथ्स तक एक्चुअली डेली लाइक हम लोग को जो डॉक्टर ने बोला है डेली नहा लाइक बाथ नहीं देना चाहिए, तो अभी 1 मंथ हो गया है ना, अभी हम लोग 3 डेज इसको नहलाते हैं। तो मैं सोच रही हूँ अगर यू नो आफ्टर 3 मंथ्स मे बी नाइट को ना थोड़ा नहला के मैं इसको सुलाऊंगी, राइट बाबा। तो अभी इसने मिल्क पी लिया है तो अभी ही इज़ फाइन, अभी ये थोड़ा टाइम खेलेगा, तब तक मैं अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ, राइट बाबू। सो यहाँ पे ये अभी खेल रहे हैं एंड तब तक मैं अपना काम भी ख़त्म कर लूँगी। तो आप ये सोचते हैं कि हाँ चलो मैंने बेबी को अच्छी तरीके से रेडी एंड ऑल कर दिया, ही इज़ रेडी फॉर द नाइट, पर जब बेबी पूप कर दे देन एवरीथिंग इज बैक टू स्क्वायर वन। तो अभी 9:30 हुआ है एंड मोस्टली 9:30 से 10 o'clock तक ये सो जाता है, लाइक यू नो मैं बोल रही थी ना कि हम लोगों ने नाइट डोला रखा था, तो उसने ऐसा ही स्केड्यूल इसके लिए रेडी किया है, लाइक नाउ ही इज़ क्रैंकी, अभी मिल्क खा के ये सो जाएगा। ऐसा डेली ये 10 बजे सो जाता है, बट डेफिनेटली यू नो हर वक्त तो सेम रूटीन नहीं होगा, आज जैसा ये थोड़ा टाइम लगाना है सोने में। एंड मैं जैसे बोलती हूँ ना कि हम लोग घर को बहुत ही अंधेरा कर देते हैं ताकि इट विल हेल्प हिम टू फॉल अस्लीप। तो अभी इसको अभी सुला देंगे, तो जब सुला देते हैं ना एक्चुअली हम लोग सारे लाइट ऑफ कर देते हैं, पहले हम लोग को इतना पता नहीं था, हम लोग क्या करते थे ये नैनिट है ना, नैनिट का भी एक लाइट है तो वो हम लोग जला देते थे, वो सारे लाइट ऑफ हो गया। तो हम लोग जैसे फुल घर अंधेरा है, ओनली मेरा जो क्लोसेट है ना इसका मैं लाइट जला के रखती हूँ एंड दरवाज़ा ओपन रखती हूँ, ताकि यू नो देन बच्चों को ना बहुत हेल्प होता है, लाइक जल्दी वो लोग सो जाते हैं, अगर कोई भी लाइट ऑन रखते हैं ना इट सीम्स वो बच्चे लोग ना वो लाइट की तरफ देखते रहते हैं, ये एक्चुअली हम लोगों को पता नहीं था, ये हम लोग की जो डोला है ना उसी ने हम लोगों को बताया था, तो वी डू दिस। तो चलिए अभी मैं बात नहीं करती हूँ, मुझे ऊपर जाना है थोड़ा बॉटल वॉश करने के लिए, मैं वो करूँगी एंड एज यू कैन हियर कि ये रो रहा है एंड शौमिक कोशिश कर रहे हैं इसको सुलाने का। तो ये जस्ट अभी सोया है एंड नाउ द टाइम इज़ 10:45, तो अभी हम लोग भी सो जाएंगे, तो चलिए बाय बाय। आई थिंक सो आफ्टर 2 आवर्स ये उठ जाएगा, क्योंकि वो मिल्क ना वो इतना ज़्यादा नहीं पीता है, सो ही ओनली हैड 2 ounces एंड मेरा ब्रेस्ट मिल्क ओनली 1 ounce आया था। तो कल रात सीध 2 बार उठा, वंस ही वोक अप एट अराउंड 12:48 एंड फिर वो उठा रात के एट अराउंड यू नो 4 बजे के करीब वो उठा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो फिर सुबह सीध 6:30 को उठ गया एंड उसने थोड़ा प्यूक कर दिया था, तो इसलिए मैंने उसको फुल ड्रेस भी मैंने चेंज कर दिया है एंड अभी मैं उसको एक बार फीड कराऊंगी। तो न्यूबॉर्न बेबीज के साथ सम नाइट्स आर गुड, सम नाइट्स इतने अच्छे नहीं होते, तो कल का नाइट वॉज एवरेज मैं बोलूंगी। गुड मॉर्निंग माय बेबी। तो ये सीध के इतने सारे कपड़े हैं, अभी इसको वॉशिंग पे देना है, तो ये थोड़ा गंदा हो गया, बच्चे लोग कभी कभी ना थोड़ा उल्टी कर देते हैं, तो उसने कर दिया था, तो इसका कवर भी वॉशिंग पे देना है। तो इतने सारे बॉटल्स हैं जो अभी वॉश करना है।
एंड चलिए ये वीडियो को एंड भी कर देते हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने रात पे जैसे मैं बोल रही थी कि जब ये सो जाता है तब हम लोग फुल लाइट ऑफ कर देते हैं, एंड तब ना मुझे मन नहीं किया कि मैं लाइट ऑन करके आप सबको दिखाऊँ। वो नॉर्मली वी फीड द बेबी राइट, जैसे सभी मम्मीज लोग करते हैं, एंड मैंने जैसा दिखाया कि 3 टाइम हम लोग फीड करते हैं, पर मैं बहुत ही ओपनली बोल रही हूँ, मैंने ऐसा लाइट जला के आई डिडंट फेल कि मैं दिखाऊंगी, बिकॉज मैं जैसे बोलती हूँ ना उसका एक स्केड्यूल हो गया है कि सब अंधेरे में करते हैं हम लोग, ताकि बोलते ना लाइक ही विल बी इन द स्लीपिंग मोड ओनली, तो बहुत ईजी होता है। तब हम लोग क्या करते थे, वो नैनिट का भी ऊपर में एक लाइट होता है, वो ना हम लोगों ने जला दिया था। तब लाइक जब वो 3:30 पे उठा एंड ही वाज अवेक फॉर अराउंड 4:30, पर अभी ऐसा नहीं होता, अभी जैसा वो रोता है तब हम लोग उठते हैं, देन वी फीड हिम एंड विद इन 5-10 मिनट्स ये सो जाता है, बिकॉज वो ही इज़ इन द स्लीपिंग मोड। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टिप्स मैं बोलूँगी जो लोग न्यू मम्मी हैं, अगर बच्चे लोग नहीं सोते, क्योंकि रात के टाइम में हम लोग ने वो गलती किया था, तो टर्न ऑफ ऑल द लाइट्स एंड छोटा कोई लाइट जला के रखिए, ऐसा लाइट जो बच्चों ना लो बच्चे के नज़र में लाइक ही वॉन्ट सी दैट लाइट। तो अभी टाइम इज़ 11 o'clock एंड सो रहा है अभी अच्छी तरीके से, दिन में सभी बच्चे सोते हैं, रात को परेशान करते। तो जैसा था मैंने आप सबको मेरा नाइट रूटीन दिखाया, आई होप सो पता नहीं क्या समझ में आया क्या नहीं, मैं जब व्लॉग बनाती हूँ अभी ऐसा होता है, आई डोंट मेक इन दैट सिस्टमेटिक वे। तो चलिए अभी कल से गणेश चतुर्थी का तैयारी स्टार्ट करना है, तो मिलूँगी मैं विद माय गणेश चतुर्थी व्लॉग। तो सब लोग मस्ती कीजिए एंड मैं भी थोड़ा भी सोने का कोशिश करूँगी। बाय बाय।